बिल्कुल सही खबर है ये। जिन भी बच्चों को थोड़ा सा भी सीबीटी में लगा कि उनके मार्क्स कम रह सकते हैं, वो लोग नहीं इस बार डीयू को टारगेट कर पाएंगे। बहुत से बच्चों के एग्जाम छूट गए हैं, जिनका लैंग्वेज छूट गया, वो जो डायरेक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी जा नहीं सकते, बाहर हो गए। बहुत से बच्चे डीयू के सीबीटी के फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, नहीं भर पाए, सीएसएस में दिक्कत आई, बहुत बहुत सारे इशूज हुए, कुछ बच्चे नहीं दे पाए। प्लस जिनको अभी भी डाउट्स है कि उनके मार्क्स थोड़े से कम है, तो दिल्ली का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। जरूर जाकर डीयू एसओएल में अपना फॉर्म भर दे, एक बैकअप प्लान के तौर पर भी रख सकते हो। अगर आपको लगता है मेरे मार्क्स कंसिडरेबल भी आते हैं, बट मान लो आगे जाके नहीं हो पाया एडमिशन, कहीं कुछ गलती हो गई, तो एटलीस्ट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री तो ले पाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना भी एक बड़ी बात होती है। तो मेरे ख्याल डीयू एसओएल का फॉर्म जो बच्चे थोड़ा सा भी डाउट में, उनको जरूर भर देना चाहिए। भरने को तो खैर सब भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आप सबके लिए कि डीयू एसओएल के फॉर्म जो है वो की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। जाकर जरूर 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 रजिस्ट्रेशन करिए। प्लस सीएसएस पोर्टल को अभी मत भरना, एक दो दिन रुक के भरो, थोड़े से ग्लिचेज आ रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा, संडे तक आराम से भर लेना। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है गाइस, गलती हो जाएगी तो फिर उसको ठीक करने में बहुत परेशानी होती है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर सीएसएस।